नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। ये है आहूजा का H601 स्पीकर है, देख सकते हैं आहूजा लो फ्रिक्वेंसी L15MB650 650 का स्पीकर, ठीक है 650 इसका RMS। अब जो स्पीकर को मैंने जो है रिपेयरिंग के लिए आया है, इसके अच्छे इसके प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। स्पीकर का मैग्नेट इसका बहुत अच्छा है, मैग्नेट एक नंबर ज़बरदस्त मैग्नेट है। क्वायल आहूजा ने CCRAW ठीक है रिवन फ्लैट वायर यूज किया है, वो भी बहुत बढ़िया है ठीक है। ओवरऑल और अगर आप मैग्नेट का डेप्थ देखें तो मैग्नेट का डेप्थ भी अच्छा खासा ही है, जैसे कि आप 1 इंच क्वायल भी इसमें रन करा सकते हैं ठीक है। मैं जैसे मैंने बताया कि इसका डेप्थ भी अच्छा है ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको कि आप डेप्थ देखिए। ये एक पेपर है मेरा, मैं इसको अंदर कर रहा हूँ, तो 1 इंच का 1 इंच से बड़ा ही डेप्थ है इसका, देख सकते हैं। ये मैग्नेट के अंदर का आपका जो स्पेस है वो 1 इंच से ज़्यादा है, लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच का समथिंग है। तो डेप्थ भी बहुत अच्छा है, मैग्नेट काफ़ी अच्छी है, स्पीकर बहुत अच्छा है, जैसे पेपर भी अच्छा यूज किया है, और जो है कि आपका क्वायल भी बहुत बढ़िया CCRA क्वायल है। मैं आपको दिखाऊंगा ये जो प्रॉब्लम है, तो ये इसमें क्वायल यूज हुआ है, क्वायल की हालत आप देख सकते हैं बगल में कोई, और क्वायल ने रगड़ा है पूरा, देख रहे हैं साइड से मैग्नेट पर रगड़ खाया क्वायल, मैंने निकाल दिया है, आप देख ही सकते हैं। फ्लैट रिबन वायर है ये भी आप देख सकते हैं ठीक, ये CCRA क्वायल है ठीक है। CCRA का मतलब ये है कि ये कॉपर नहीं है, ये एलुमिनियम और कॉपर वाला होता है जो वो वायर है, फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता CCRA का, तो ये आप देख ही सकते हैं ठीक है। अब इस जो जिस कस्टमर ये जो कस्टमर मेरे यहाँ ले के आया है उसका मैं बताता हूँ, ये देख रहा है आहूजा का प्रॉब्लम जो उसने बताया, जो मैंने देखा ये रियलिटी है, मैंने तो इसे काट के निकाला बट ये मैंने काटे नहीं है। ये आप देख रहे हैं स्पाइडर सड़ गए हैं या प्रेशर लगने पर फट गए, स्पाइडर का ये हालत है देख सकते हैं, और एक दो नहीं मेरे पास 3। दूसरा स्पीकर ये रहा, इसके भी वही हालत है ठीक है, इसके भी स्पाइडर जो है कि गड़बड़ हो चुके हैं आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसे फाड़ा भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं स्पाइडर की हालत आप देख रहे हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम है ये स्पीकर जाके नीचे मैग्नेट में लड़ रहा है ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ये दब भी गया तो इतना भी तो नहीं होना चाहिए कि स्पीकर चलो मान लेता है दब गया, लेकिन ये बस ये 1 इंच भी मूवमेंट नहीं है, 1 इंच का भी मूवमेंट नहीं है आप देख सकते हैं, आप देख 1 इंच का भी मूवमेंट नहीं है, ये जाके लड़ गया, अंदर जाके लड़ जा रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो ड्रॉबैक है आहूजा का 650 वाट का, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो इस बंदे का 3 स्पीकर जो जला हुआ है जो मेरे पास आया है, तो स्पीकर को उसने बताया कि भैया ये मैंने 1.5 से 2 साल पहले लिया था, तो मुझे कंडीशन देख लगता नहीं बट मे भी हो सकता है 1.5 से 2 साल, क्योंकि कोविड के बाद ही उसने DJ स्टार्ट किया था तो उसने ये लिया था ठीक है। अब ये साउंड सिस्टम में उसने आहूजा के 4 स्पीकर्स लगाए थे अपने और अदर कंपनी के भी लगे हुए हैं, तो जब ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया तो मैंने जब देखा तो मैं वही देख रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये जाले का जाला जो है ना, जाला का आप देख रहे हैं कि जाले में जो डेप्थ होता है थोड़ा सा डेप्थ आपको देना पड़ता है, अगर कोई भी स्पाइडर में लगाऊंगा इतना ही डेप्थ है आप देख रहे हैं, इतना डेप्थ है ठीक है। यहाँ का डेप्थ तो बात के बाद है, यहाँ पर जो डेप्थ है ना बहुत कम डेप्थ है, अगर मैं स्पाइडर में रखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि कोई खास स्पेस नहीं है स्पाइडर में इसमें, क्योंकि इतना क्वाइल बस इतने क्वाइल पे ही ये लड़ने लग रहा है, ये आपका जाले में लड़ने लग रहा है, इतने ही जगह पर ये क्वाइल जो है कि जाले में लड़ने लग रहा है। तो ये जो आहूजा का प्रॉब्लम है ना, ये आहूजा के जाला में 650 वाट में प्रॉब्लम है, और आहूजा को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब पता नहीं अब वाले स्पीकर में आहूजा ने ये चीज़ सही किया या नहीं किया, बट ये अगर 1.5 साल 2 साल पहले का स्पीकर तो उसमें ये प्रॉब्लम है, और अगर अभी भी ये जाला आ रहा है तो फिर तो मैं तो कहूँगा यार कि ये आहूजा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्पीकर जो रिपेयर किए उसमें प्रॉब्लम आती, मैं देखता हूँ कि कंपनी इतनी बड़ी कंपनी इतनी नामी कंपनी ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आहूजा के स्पीकर अगर है जो कि लिखा हुआ है जो मैं भी देख रहा हूँ आहूजा का, आप भी देख सकते हैं आहूजा का 650 वाट का जो स्पीकर आता है वो है, बट ये प्रॉब्लम जाले का ये प्रॉब्लम बहुत ही घटिया प्रॉब्लम है मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल स्पीकर लें 650 वाट जिसको लोग प्रॉबली जो है कि मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं बेस के लिए कि अच्छा बेस मिले, अगर स्पाइडर और पेपर में उतना मूव नहीं रहेगा उतनी जो है कि वाइब्रेशन नहीं रहेगी तो फिर आपको उतना बेस नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने दिखाया आप तो फिर से एक बार देख सकते हैं कि कितना कम डेप्थ है, देख रहे हैं एक उंगली के बराबर का भी डेप्थ नहीं है देख सकते हैं आप,
तो ये जो प्रॉब्लम है ये आहूजा में प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ठीक है। मैग्नेट बहुत अच्छा है मैंने जैसा बताया, और जो है कि क्वाइल भी आहूजा ने अच्छी यूज की है, पेपर भी अच्छा यूज किया, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आहूजा का ये जाला। तो अभी मेरे को क्या करना है कि मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा इसको सही करने के लिए। मेरे यहाँ आया तो मैं तो वैसे बना के दूंगा नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास कस्टमर लग गया उसको प्रॉब्लम है, साल भर में अगर फिर स्पीकर ख़राब हो जाएगा तो बंदा तो कहेगा कि भाई क्या बना दिया। तो या तो मैं ऐसा स्पाइडर खोजूँ जो इससे इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, कप वाली स्पाइडर जो होती है वो थोड़ी ऊपर हो, इस लाइन के अंदर मिल जाए या इस लाइन के बाहर मिल जाए, ये दो में से मैं कुछ भी खोजूंगा। और मैं डेप्थ वाले कोन के बजाय, जो डेप्थ वाला कोन है, जो डेप्थ कोन है, इसके बजाय मैं फ्लैट कोन यूज करना पसंद करूंगा। तो ये तो पर्सनली मेरे पास काफ़ी सस्ता कोन है, मैं आपको दिखाऊँ, ये फ्लैट वाले कोन में यूज करूंगा थोड़ा सा। और इस पोजिशन में अगर थोड़ा सा स्पाइडर यहाँ तक का मिल जाता है तो ये थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिल जाएगा, तो थोड़ा अच्छा पेपर मूव करेगा, स्पाइडर मूव करेगा, जिससे आपको बेस अच्छा मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 बात की एक बात कि आहूजा को इस चीज़ पे प्रॉपरली ध्यान देनी चाहिए, और अगर आहूजा ने दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई स्पीकर लेना चाहता है तो मैं कहूँगा भाई कि ये चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आहूजा के स्पीकर्स ख़राब होते हैं, बट आहूजा के स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने MB300 भी यूज किया है, और भी बहुत सारे स्पीकर्स मैंने यूज किए हैं आहूजा के, बट मुझे ये थोड़ा सा इसका आहूजा का ड्रॉबैक लगा। कुल मिलाकर मैं तो इसे रिपेयर करूँगा, और मैं इसे अपने हिसाब से रिपेयर करूँगा, जितना मुझसे हो सके उतना अच्छा इसको करूँगा, ताकि कस्टमर को वो शिकायत फिर से ना आए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पाइडर जो फटना है ना, ये स्पाइडर फटनी नहीं चाहिए, स्पाइडर क्रैक हो गई। मैंने 10-10, 12-12 साल पुराने स्पीकर्स देखे हैं, उसके स्पाइडर्स क्रैक नहीं होते, बट आहूजा के स्पाइडर क्रैक हो गए। मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है, बट क्रैक तो है भाई, और एक स्पीकर में नहीं, तीनों स्पीकर में ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप भी अगर आहूजा के स्पीकर्स लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान दें कि 6650 में ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप मेरे वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही वीडियोज़ और मैं दिखाऊंगा कि स्पीकर्स में कहां से प्रॉब्लम्स, आपको कौन से स्पीकर्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और फ्यूचर में आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप कोई स्पीकर लेने जा रहे हो, तो कौन सी आपको एम्पलीफायर लेनी चाहिए, किस तरह का एम्पलीफायर आपके लिए बेहतर है, आप ये मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।